हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर। तो कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एक्सेट्रा। ठीक है, तो हेयर यहां पर देखो A1 की वैल्यू आई हमारे पास 6, A2 की वैल्यू आई 12, A3 की वैल्यू आई 18, देन A4 की वैल्यू आई 24, A5 की वैल्यू 30। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस डिफाइन करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फाइंड कैसे करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 12, देन A1 की वैल्यू है 6, 12 से 6 लेस करेंगे, 6 आएगा हमारे पास। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 18, देन A2 की वैल्यू है 12, 18 से 12 लेस करेंगे, अगेन 6 आएगा हमारे पास। देन A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू है 24, A3 की वैल्यू है 18, 24 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन 6 आता है हमारे पास। ठीक है, देयरफोर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 6। तो सबका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आया, तो देयरफोर D इज इक्वल टू 6। तो देयरफोर D इज इक्वल टू 6, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, देन क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 40, देन a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। अब हम sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s40 इज इक्वल टू 40/2 ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू a की वैल्यू है 6 प्लस n-1, 40-1 इंटू d की वैल्यू है हमारे पास 6। तो s40 इज इक्वल टू 2 से 40 को डिवाइड करोगे तो 20 आता है हमारे पास, 20 ब्रैकेट में आएगा 6 2 12 प्लस 40 से 1 लेस करोगे 39 इंटू 6, ये चीज आती है। ठीक है, देन s40 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में आएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, जब 39 इंटू 6 करते हैं तो 234, ये चीज आती है हमारे पास। देन s40 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 234 प्लस 12, दोनों को ऐड करेंगे तो 246, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 246 तो आता है हमारे पास 4920। ठीक है, तो s40 इज इक्वल टू 4920, ये चीज आई हमारे पास। लास्ट में लिखोगे देयरफोर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 4920। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो लिखेंगे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। 8 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, देन 32, 40, 48 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हेयर A की वैल्यू आई 8, A1 की वैल्यू आई 8, A2 की वैल्यू आई 16, A3 की वैल्यू आई 24, A4 की वैल्यू आई हमारे पास 32। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 16, A1 की वैल्यू है 8, 16 से 8 लेस करेंगे 8 आएगा। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 24 माइनस A2, A2 की वैल्यू है 16, अगेन 24 माइनस 16 करोगे 8 आएगा। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 32 माइनस A3 की वैल्यू है 24, 32 माइनस 24 अगेन 8 आएगा आपके पास। तो देयरफोर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू
ए फोर माइनस ए थ्री, तो कितना है हमारे पास 8, तो कॉमन डिफरेंस आएगा d. देयरफोर d इज इक्वल टू 8, ये चीज आई हमारे पास, ठीक है. देन a 1 की वैल्यू आई हमारे पास 8, और क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था द सम ऑफ द फर्स्ट 15th मल्टीपल्स ऑफ 8. सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, लेकिन यहां पर डिविजिबल था और यहां पर मल्टीपल है. तो कितना आएगा आपके पास, n की वैल्यू आएगी 15. Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो s 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू a, a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1. तो 15 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू है 8. s 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा 8 टू जा 16 प्लस 15 से 1 लेस करोगे 14, तो 14 इंटू 8. s 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में आएगा 16 प्लस 14 इंटू 8 112, ये चीज आती है आपके पास. देन 15 अपॉन 2 इंटू 112 प्लस 16 ऐड करेंगे तो 128 आता है. 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 12, 2 4 8. s 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 960. तो s 15 इज इक्वल टू 960. लास्ट में लिखोगे देयर फोर द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960, ठीक है. तो ये आपके पास आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखोगे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, कौन से नंबर होते हैं 0 एंड 50 के बीच में, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 50. 50 तो हमारे पास इवन नंबर है, तो लास्ट नंबर आएगा हमारे पास 49. तो यहां पर देखो, हेयर ए वन इज इक्वल टू 1, ए टू इज इक्वल टू 3, ए थ्री इज इक्वल टू 5, देन ए फोर इज इक्वल टू 7. ऐसे ऐसे आपके पास नेक्स्ट नंबर आते रहेंगे, ठीक है. देन कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू है 3 माइनस 1, तो 3 से 1 लेस करेंगे 2. ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री की वैल्यू है 5 माइनस ए टू, ए टू की वैल्यू है 3, 5 से 3 लेस करेंगे 2. देन ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर की वैल्यू है 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 अगेन 2. अब देखो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो लिखोगे बिकॉज ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू 2, देयर फोर डी इज इक्वल टू 2. डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है. तो डी की वैल्यू आई 2, देन ए वन की, ए वन की वैल्यू आई हमारे पास 1. अब क्वेश्चन में फाइंड करना था द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए एन लास्ट टर्म है देखो हमारे पास 49, आप एल भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है. तो ए एन की वैल्यू है 49, ये वाली चीज है हमारे पास, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास. 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2. तो 49, 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे माइनस 1 बन जाएगा, देन n माइनस 1 इंटू 2, तो 49 से 1 लेस करेंगे 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो डिवाइड में आएगा 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, देन एन इज इक्वल टू 24 माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, प्लस का 1 बन जाएगा, तो 25. देयरफोर एन इज इक्वल टू 25. अब ए की वैल्यू आई आपके पास 1, ए एन की वैल्यू है 49, डी की वैल्यू है 2, देन एन की वैल्यू आई 25. तो हमें फाइंड करनी है एस एन की वैल्यू,
ठीक है, एस 25 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन एन की वैल्यू है हमारे पास 25, ये चीज हमने लास्ट में प्रूव की थी, ठीक है। 25 अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1, तो 25 माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, 2 वन जा 2 प्लस 25 से 1 लेस करोगे 24 इंटू 2, ये चीज आएगी। देन एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 24 इंटू 2 करोगे 48, तो एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 2, 50 आता है हमारे पास, 2 से डिवाइड करोगे 2 टू जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, तो एस 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे 625 आता है आपके पास, तो एस 25 इज इक्वल टू 625। लास्ट में लिखोगे देयर फोर सम ऑफ द ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर 625। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।